हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 चैप्टर 7। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एबी सी फिगर सो दैट CD bisect AB, ये हमें शो करना है। We know that in given OB and OA, CD O point पर इसको intersect कर रहा है। It means angle AOD and angle BOC, vertically opposite angle AOD is equal to angle BOC, vertically opposite angle, so they are equal. Now in triangle AOD and triangle BOC, now in triangle AOD and triangle BOC, दोनों ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड AD इक्वल टू BC गिवन। AD इक्वल टू BC गिवन है। एंड एंगल DAO एंड एंगल OBC आर इक्वल ईच 90 डिग्री। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBC, angle OBC is equal to 90 degree, each has 90 degree. So triangle AOD congruent triangle BOC by double A's, two angles and one side, double A as rule. Double A's rule से triangle AOD, triangle BOC congruent हुए। जब triangle AOD और BOC triangle congruent हुए तो CPCT से we can say OA equal to OB, OA equal to OB by CPCT, OA equal to OB by CPCT. Then we can say CD is bisect at point O is equal A OA equal to OB. इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि CD इसको AB लाइन को क्या कर रही है, bisect कर रही है। Hence proved. After that, question number 5, line L is the bisector. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. Point L पर ही B कोई point है. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. See figure. So that triangle APB congruent triangle AQB, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ABQ, एंगल BQA एंड एंगल APB आर इक्वल each 90 degree, angle AQB is equal to angle
ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड क्या है, ए बी इक्वल टू ए बी, एंगल ए का बाइसेक्ट है ये एल लाइन, एंगल ए को क्या कर रही है बाइसेक्ट, इट मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, सो दैट वी कैन से दैट ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए पी पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी क्यू, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए। फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव, फर्स्ट प्रूव हो चुका है। आफ्टर दैट सेकेंड, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से बी पी इक्वल टू बी क्यू, देन सेकेंड बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी रूल, बाय सीपीसीटी रूल। इसके बाद जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, सी फिगर, सो दैट ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल पैर आपके पास कॉन्ग्रेंट है, आपको प्रूफ करना है। थैंक यू।